हे गाइस, हाउ आर यू? आई एम राकेश जंगपांगी। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जंगपांगी एजुकेशन हब में। आज है 20 जनवरी 2021। 20 जनवरी 2021 को मैंने जितने भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन डाले हैं, वो सभी क्वेश्चन आप सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो शुरू करते हैं आज के सवालों से। पहला क्वेश्चन है, चमेली देवी जैन पुरस्कार निम्न में से किस पेशे में सम्मानित किया जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है पत्रकार, यानी कि ऑप्शन बी जो होता है इसका राइट आंसर होगा। चमेली देवी जैन पुरस्कार पत्रकारों को प्रदान किया जाता है। मीडिया फाउंडेशन द्वारा स्थापित इस पुरस्कार को 2012 में तहलका के कोलकाता समाचार ब्यूरो के तूसा मित्तल को दिया गया है। यह है तूसा मित्तल, इन्हीं को 2012 में पुरस्कृत किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कांसेन सम्मान से किस क्षेत्र में सम्मानित किया जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है संगीत, यानी कि ऑप्शन ए जो होता है इसका राइट आंसर होगा। तानसेन सम्मान संगीत के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तानसेन संगीत समारोह हर साल दिसंबर के महीने में मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के बेहट गांव में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कालिदास सम्मान से सम्मानित करता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन बी जो होता है इसका राइट आंसर होगा। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत एक प्रतिष्ठित कला पुरस्कार है। यह पुरस्कार एक प्रसिद्ध शास्त्रीय लेखक कालिदास के नाम पर रखा गया है। कालिदास सम्मान पहली बार 1980 में प्रदान किया गया था और शुरू में शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच और प्लास्टिक कला के क्षेत्र में वैकल्पिक वर्षों में सम्मानित किया गया था। अब बात की गई है मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो है शिवराज सिंह चौहान। ये है शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो भोपाल है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे? इसका जो राइट आंसर होगा वो है लाल बहादुर शास्त्री, यानी कि ऑप्शन ए जो होता है इसका राइट आंसर होगा। ये है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री हमारे इंडिया के दूसरे नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 में मुगल सराय में हुआ था और इनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 में हुई थी, वो भी उज्बेकिस्तान में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लॉरियस अवार्ड किस क्षेत्र से जुड़ा है? लॉरियस अवार्ड खेल से जुड़ा है, यानी कि ऑप्शन ए जो होता है इसका राइट आंसर होगा। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड उन खिलाड़ियों को दिया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है जो पिछले वर्ष में उत्कृष्ट रहे हैं। इन पुरस्कारों की जो स्थापना है 1999 में संस्थापक संरक्षक डेमलर और डिकमोंट द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस क्षेत्र में गुइलेर्मो कैनो पुरस्कार दिया जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता, यानी कि ऑप्शन ए जो होता है इसका राइट आंसर होगा। यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज एक ऐसे व्यक्ति, संगठन या संस्था को सम्मानित करता है जिसने दुनिया में कहीं भी प्रेस स्वतंत्रता की रक्षा और या पदोन्नति में उत्कृष्ट योगदान दिया है, खासकर जब यह खतरे के सामना में हासिल किया गया है। यह 1997 में स्थापित किया गया था। अब बात करते हैं यूनेस्को की। यूनेस्को का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी। इसके जो प्रेसिडेंट है वो है ऑड्रे ओजोले। ये है ऑड्रे ओजोले यूनेस्को के प्रेसिडेंट। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है राइट लाइवलीहुड अवार्ड, यानी कि ऑप्शन डी जो होता है इसका राइट आंसर होगा। राइट लाइवलीहुड अवार्ड पुरस्कार को नोबेल पुरस्कार का विकल्प माना जाता है। यह एक वार्षिक पुरस्कार भी है जो उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने दुनिया में सबसे अधिक दबाव वाले कुछ मुद्दों को हल करने के लिए कुछ अनुकरणीय कार्य किए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उस भारतीय नेता का नाम बताइए जिन्हें द लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो है नरेंद्र मोदी, यानी कि ऑप्शन सी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका की सर्वोच्च सैन्य सजावट द लीजन ऑफ मेरिट भेंट की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने
पूर्व जापानी प्रधानमंत्री सिंजो आबे और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्टॉक मॉरिसन को भी प्रतिष्ठित सेना ऑफ मैरीन के साथ सम्मानित किया है। यह सम्मान महत्व रखता है क्योंकि इसे प्राप्त करने वाले चार नेताओं ने 2017 से चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्वाड को पुनर्जीवित करने की एक कुंजी है। यह भारत प्रशांत रणनीति का एक हिस्सा था और पूर्व में चीन के बढ़ते जुझारूपन के विकल्प के रूप में स्थापित किया गया था। लीजन ऑफ मेरिट अमेरिकी सैन्य सजावट है जिसमें अलग अलग रैंक है। यह अब तक का पहला अमेरिकी पदक है जो अन्य देशों के नागरिकों को प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार 1943 से दिया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शेष में से भिन्न है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है वीरचक, यानी कि ऑप्शन सी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। वीरचक एक भारतीय वीरता पुरस्कार है जो युद्ध के मैदान में बहादुरी के कामों के लिए प्रस्तुत किया जाता है, जबकि वीरता के अलग अलग कामों के लिए अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और सूर्य चक्र को वीरता, साहसपूर्ण कार्य या आत्म बलिदान के लिए युद्ध के मैदान से दूर किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्यास सम्मान प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। व्यास सम्मान जो प्रदान किया जाता है वो के बिरला फाउंडेशन को, यानी कि ऑप्शन सी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। व्यास सम्मान एक साहित्यिक पुरस्कार है जिसे पहली बार 1991 में प्रदान किया गया था। यह के बिरला फाउंडेशन और इसमें 250,000 की नकदी 2005 तक शामिल है। पुरस्कार के लिए पात्र होने के लिए साहित्यिक कार्य हिंदी भाषा में होना चाहिए और पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हुआ है। अब के बिरला की बात करते हैं। के बिरला की जो स्थापना है वो 1991 में हुई है। के बिरला का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है और इसके जो फाउंडर हैं वो के बिरला हैं। इनका पूरा नाम कृष्णा कुमार बिरला है। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो बेहद पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप मुझे खबरी ऐप में भी फॉलो कर सकते हैं, मैं उसमें डेली के करंट अफेयर्स लेके आता रहता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।